नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में एक बार आपका स्वागत है फिर से। मुझे कोल्ड नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ी सी हल्की आवाज़ में बोल रही हूँ क्योंकि मेरी डॉटर सोई हुई है और मुझे भी उठे हुए बहुत देर नहीं हुई है, तो इसलिए आवाज़ मेरी थोड़ी सी आपको अलग आ सकती है। तो मुझे कोई कोल्ड नहीं है, डोंट वरी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। और आई नो बहुत लोग कंसर्न हो जाते हैं और बहुत लोग केयर करते हैं एंड मुझे बहुत कमेंट्स आए इस बारे में, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो कि आई एम एब्सोल्युटली फाइन, डोंट नो नीड टू बी वरीड। सेकेंड, मुझे किसी ने कमेंट पे बोला था कि और बहुत लोगों के मैसेजेस आते हैं कि आप कोरोना पे वीडियो बनाइए, आप अफगानिस्तान के सिचुएशन पे वीडियो बनाइए एंड ऑल ऑफ दैट। बहुत लोग बनाते हैं, मैं उन चीज़ों में नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है ये सारी सिचुएशंस होनी ही है। मेरा मकसद है आप लोगों को हेल्प करना डेली बेसिस पे, ताकि आप हर दिन अपने आप को बेहतर बना सको, अवेकनिंग के पाथ पे जा सको, अपनी ट्रू सोल जो है उससे कनेक्ट कर सको, उसको समझ सको। तो वो मेरा पाथ है और वो मैं काम करती हूँ। तो मेरी रीडिंग प्रेडिक्शंस के लिए मेजरली नहीं होती हैं, बल्कि आपको हेल्प करने के लिए होती हैं। तो आई होप दैट हेल्प्स। एंड ऑल्सो बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, एक आप लोग फीडबैक या कमेंट ज़रूर दीजिए, जितने भी आप दे रहे हैं मैं सब देख रही हूँ। कुछ कुछ मुझे रिप्लाई करने का मौका नहीं मिलता है क्योंकि यू नो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और दूसरा कि वीडियो में जो इंग्लिश वीडियो है उसमें एडिशनल मैसेज होता है, तो अगर आप एडिशनल मैसेज लेना चाहते हैं और इंग्लिश समझ में आती है तो इंग्लिश की वीडियो का एंड जो है वो आप देख सकते हैं। और कार्ड्स कुछ पहले ही आ गए, तो वाओ ब्यूटीफुल। ये मैंने आज की एनर्जी के लिए ऐसा सच नहीं पूछा था, मैं बात कर रही थी और ये कार्ड्स आ गए, तो मैं फिर भी आपको इनका मीनिंग बता देती हूँ। एस ऑफ स्टेव्स मतलब एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है और थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड है। इसका मतलब है कि एक नई एनर्जी जो है, किंग आपको दिख रहा है यहाँ, क्राउन है किंग का, और एक नई एनर्जी जो है वो शुरू हो गई है। और किंग का क्राउन जो वैंड है उसने वो एक्चुअली ऊपर आई है, तो उसकी वजह से किंग का क्राउन भी हट गया है अपने प्लेस से और वो ऊपर की तरफ हो गया है। और यहाँ आप देखें तो किंग एंड क्वीन आपस में किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, दे आर वरीड अबाउट समथिंग और दे आर थिंकिंग अबाउट समथिंग या दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग। तो डेफिनेटली कुछ नई एनर्जी है, कुछ नए चेंजेस हुए हैं और उन नए चेंजेस से ये पैशन की, कम्युनिकेशन की, नई नई चीज़ों की शुरुआत की एनर्जी होती है, फायर एनर्जी होती है, कुछ नई फायर है। एंड उसके कारण कुछ नई चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी या कुछ लोग जो हैं ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ना है। तो दैट कुड बी द मैसेज दैट केम अक्रॉस एंड लेट्स सी अब 19th ऑफ अगस्त की एनर्जी कैसे रहने वाली है। राइट, एंजल्स गिव्स द मैसेज फॉर 19th ऑफ अगस्त। मैं बताऊंगी आपको कि क्या नाम है टेक का, सो डोंट वरी। सो एक और कार्ड निकाल लेते हैं क्योंकि किंग ऑफ एरोज, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है और मुझे ऐसा लगता है कि जब एक्चुअली कोर्ट कार्ड्स आते हैं ना, तो कई बार एक क्लैरिफिकेशन ज़रूरी होती है ताकि मैसेज कंप्लीट हो जाए। लेकिन समबडी हु इज सीइंग एवरीथिंग, इफ़ यू सी दैट, कोई ऐसा पर्सन जो सब कुछ देख रहा है बेसिकली बादलों के ऊपर से। ओके, सो कैन यू क्लैरिफाई गाइड्स। ओके, एंड क्लैरिफिकेशन मैसेज क्या है? ग्रेस, इट्स नंबर 17 और 17 जो होता है 17 स्टार कार्ड होता है, ब्यूटीफुल। और स्टार कार्ड होता है जब आप एक्चुअल में क्लैरिटी पे आते हो, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पे हार्ट है और हार्ट के ऊपर क्राउन है, यू नो। और इस पर्सन को जीसस ने या गाइड ने या एंजल ने अपने हाथ पे उठाया हुआ है बेसिकली, और डब्स या पिजन्स जो हैं वो उड़ रहे हैं। आइडली ये जो डेक है ना, दैट्स लवर्स पाथ टैरो टेक, द लवर्स पार्ट। मैं इसको बहुत कम यूज़ करती हूँ, अभी नया ही है तो, पर फिर भी लेट्स सी। सो बेसिकली पहला मैसेज जो है आपका वो बहुत क्लियर है दैट 19th ऑफ अगस्त की जो एनर्जी है उसमें डेफिनेटली आपको मोटिवेटेड रहना है, आपको अपने पाथ पे क्लियर रहना है, आपको अपने एक्शंस पे क्लियर रहना है और आपको दोनों तरह से रेडी रहना है, विच मीन्स अटैक करने के लिए भी। इसके एक हाथ में एरो है और इसके एक हाथ में फ्लावर्स हैं, तो आपको अटैक करने के लिए भी रेडी रहना है लेकिन साथ में प्यार के साथ भी रेडी रहना है। तो जो जैसा डिजर्व करता है आप उसके साथ वैसा बिहेवियर कर सकते हो। 19th ऑफ अगस्त कुछ क्लैरिटी लेके आ रही है क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो यहाँ पे किंग ऑफ एरोस, किंग ऑफ सोर्ड्स जो यहाँ पे बादलों के ऊपर बैठा हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पे पहाड़ है और बादलों के ऊपर एक सिंहासन है जिसके ऊपर वो बैठा हुआ है, और बादलों के ऊपर आप तब आते हो जब आप एक्चुअल में क्लैरिटी से सब कुछ देखना चाहते हो। मतलब वो बादल छट गए या बादल आपके नीचे आ गए तो आप क्लैरिटी से ऊपर आसमान देख सकते हो, आप क्लैरिटी से सूरज देख सकते हो, आप क्लैरिटी से चांद देख सकते हो, तो आप एक्चुअली क्लैरिटी से रियलिटी देख सकते हो बेसिकली, या अपने गोल्स देख सकते हो
सकते हो या अपनी एम देख सकते हो। तो जो 19th ऑफ अगस्त है वो आपको थोड़ा हेल्प करेगा जहाँ पे आप एक्चुअल में क्लैरिटी से अपना एम देख सकें। दूसरा, आपको ज़रूरी है कि आपको किसी भी तरह के इमोशंस में इन्वॉल्व नहीं होना है या इंडल्ज नहीं होना है, इमोशंस को अपने आप को मिसगाइड नहीं करने देना है, एंड एक बैलेंस बिटवीन आपकी इमोशंस और बिटवीन आपके एक्शंस। तो आपकी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी के बीच में एक बैलेंस होना जो है आपके एक्शन और आपके इंटेंशन या आपकी प्रैक्टिकल लाइफ और आपकी इमोशनल लाइफ के बीच में एक बैलेंस होना ज़रूरी है। तो 19th ऑफ अगस्त को आपने ध्यान रखना है कि आपके इमोशंस और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के बीच में एक बैलेंस हो। अगर आप देखें यहाँ पे इसका एडम्स एप्पल, अगर आप नोटिस करें, मैंने पहली बार नोटिस किया, अगर आप यहाँ पे इसका एडम्स एप्पल नोटिस करें तो कहीं ना कहीं आपने अपने थ्रोट को बहुत स्ट्रांग रखना है, क्योंकि जो किंग ऑफ सोर्ड्स होता है उसकी वॉइस बहुत स्ट्रांग होती है, उसके अंदर बहुत ताकत होती है गाइड करने की, बोलने की, एक्सप्रेस करने की, बताने की, और उसकी वॉइस बहुत स्ट्रांग होती है। तो डेफिनेटली आपको अपने थ्रोट चक्रा पे वर्क करना है आज का दिन, मतलब 19th ऑफ अगस्त को, और रेडी रहना है कुछ एक्शन के लिए, कुछ चीज़ों के लिए। उसके अलावा आप लोग जानते हैं किंग ऑफ सोर्ड्स, और आप लोग जानते हैं एडम्स एप्पल, तो मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समबडी इज़ वॉचिंग ओवर, ये फॉर श्योर है। दूसरा कार्ड जो है वो नंबर 17 कार्ड है, ग्रेस। और ग्रेस का बेसिकली मीनिंग है कि जो भी ये गाइड है या एंजल है, और ये स्टार कार्ड है, बेसिकली स्टार कार्ड क्लैरिटी का होता है, स्टार कार्ड अच्छी लाइट का, रोशनी का आने का होता है। इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली तो 18th ऑफ अगस्त के एक रीडिंग में भी स्टार कार्ड आया है, लेकिन अगर आप देखेंगे वो स्टार कार्ड और ये स्टार कार्ड, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और इस स्टार कार्ड में बेसिकली ये एंजल हैं और ये एक्चुअली में किसी को एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से, एक नीचे अगर आप देखें तो ऐसा लगता है जैसे फायर है, तो किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से एक पर्सन को रेस्क्यू कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे पिजन्स हैं, और पिजन्स जो होते हैं वो शांति का प्रतीक होते हैं, वो अच्छाई का प्रतीक होते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो एक हार्ट है और हार्ट के ऊपर क्राउन है। तो जैसे मैंने बोला कि दो तरह के किंग्स होते हैं, राइट, एक अच्छे वाले होते हैं और एक बुरे वाले होते हैं। तो दिस इज़ अ गुड किंग रेस्क्यूइंग समबडी, या एक अच्छा किंग जो किसी को रेस्क्यू कर रहा है। तो आज का दिन ऐसा हो सकता है कि एंजल्स और गाइड्स आपके आसपास रहें, कोई भी चीज़ अगर आपको वरी कर रही है तो वो आपको हेल्प करें वहाँ से बाहर आने में। आप लोगों में से कुछ लोग 19th ऑफ अगस्त को अगर ट्राई करेंगे तो एस्ट्रल प्रोजेक्शन जो है वो महसूस कर सकते हैं, अपनी बॉडी जो है उसको छोड़कर आपकी सोल जो है वो ऊपर जा सकती है। ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है जब आपने इसको प्रैक्टिस करना है, स्पेसिफिक ग्राउंडिंग है इसके लिए जो चैनल पर है वीडियो। और दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पे आपको अपने आप को थोड़ा सा ज़्यादा रेस्ट देना है और मेडिटेशन ज़रूर करनी है, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस भी एनर्जी से आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जिस भी एनर्जी को आप समझने की कोशिश कर रहे हो, जिस भी पर्सन को आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, जिस भी पर्सन को आप समझने की कोशिश कर रहे हो, वो टेलीपैथिकली या आपके हार्ट या इमोशन के द्वारा आपके साथ कनेक्ट हो, लेकिन ज़िंदगी की हश हश में, इधर उधर भाग दौड़ में आप वो वक्त नहीं निकाल पाते हैं जहाँ आप एक्चुअल में कनेक्ट कर पाते हैं या जहाँ एक्चुअल में आप उस चीज़ को समझ पाते हैं। तो अपने आप को थोड़ा रेस्ट दीजिए और साथ में अपने हार्ट को क्लियर कीजिए, और जो भी सही चीज़ है, जो भी सही दिल से वाला जो किंग है या जो सही इमोशंस हैं, उनको डेफिनेटली एंजल्स सपोर्ट करेंगे। एक और चीज़ आपकी हेल्थ को लेकर मुझे इस दिन में लग रही है 19th ऑफ अगस्त को, जहाँ पे आपको अपनी स्टमक हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। और अगर ब्लड रिलेटेड कोई भी इशू है आपको, लो ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड प्रेशर है, एनीमिक हैं आप, कोई भी इशू है आपको ब्लड रिलेटेड, तो अपना थोड़ा सा आपने जैसे रेस्ट ज़्यादा लेना है या थोड़ा सा चेकअप करवा लेना है, तो थोड़ा सा अपना ख्याल ज़्यादा रखना है। अगर कोई भी इशू नहीं है तो भी स्टमक एक जो है ना वो हो सकता है, स्टमक एक की पॉसिबिलिटी है, और इसीलिए आपने ध्यान रखना है कि आप थोड़ा सा रेस्ट लें और अपना ध्यान रखें। लेकिन एनर्जी बहुत पॉजिटिव है और कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी, एक पीसफुलनेस, एक कामनेस जो है वो डेफिनेटली एनर्जी में दिखाई दे रही है। एंड अगेन आई एम सेइंग कि इस बैलेंस रखना है अपने इमोशंस और प्रैक्टिकलिटी में, अटैक करने के लिए या लाइफ में आगे जाने के लिए या प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने के लिए भी रेडी रहना है, लेकिन साथ में इमोशनल बैलेंस और ग्रोथ का ध्यान रख के। और एडम्स एप्पल तो अपने थ्रोट चक्रा का ध्यान रखना है, अपने थ्रोट का ध्यान रखना है। दूसरा देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। गाइड्स एंजल्स, एंजल एनर्जी ऑफ 19th ऑफ अगस्त, गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 19th ऑफ अगस्त 2021, व्हाट यू नीड टू नो फॉर दैट डे। ओके,
वाटर, जो वाटर होता है ना, पानी होता है, वो इंट्यूशन का साइन होता है। उससे आपकी इंट्यूशन जो है वो बढ़ती है और साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ती हैं और भी बहुत सारी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका बेसिकली गाइडेंस ये है, ये कार्ड बोलता है कि आपका गाइडेंस है कि आज का दिन आपने पानी के पास थोड़ा सा समय बिताना है, रिवर, लेक, सी, या फिर नहाते हुए शावर में ज़्यादा समय बिताना है। अगर कुछ नहीं हो सकता है ना, तो आप जहाँ पर भी बैठते हैं वहाँ पर एंटी तो फोकस्ड को आपने कोशिश करनी है कि एक बाउल में थोड़ा सा पानी भर के रख लेना है अपने पास। तो पानी अपने आसपास आज का दिन रखिए और वाटर इंटेक भी आप थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप अपने आप को कॉस्मिक एनर्जी में इमर्ज करते हैं, कॉस्मिक एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं, और पानी सबसे अच्छा सोर्स है उसके साथ कनेक्ट करने का। तो आप अपने बॉडी को, अपने सेंसेस को, अपने सेल्स को प्योरीफाई करते हैं। और अगर फिजिकली आप पानी के पास नहीं हो सकते हैं, अगेन मैंने बोला कि आप पानी का एक बाउल या एक ग्लास अपने पास रख सकते हैं, एंड आई थिंक वो सबके लिए पॉसिबल है, लेकिन अगर फिर भी पॉसिबल नहीं है तो आप पानी को विजुअलाइज़ कर सकते हैं और वो आपकी क्लिंजिंग करेगा, वो आपकी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह से क्लिंजिंग करेगा। और कहीं ना कहीं लाइक आई सेड कि आज का दिन कुछ ऐसा है जहाँ पे आपको अपने इमोशंस को, अपने प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना है, अपनी एनर्जीज़ को क्लिंज करना है, थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है, हेल्थ में कोई इशू थोड़ा सा लग सकता है, कुछ चीज़ें सामने आ सकती हैं हेल्थ को लेकर या इशू को लेकर, प्रॉब्लम को लेकर, हार्ट हेल्थ का ध्यान रखना है। तो वाटर जो है वो आपकी हेल्प करेगा, क्लिंजिंग जो है वो आपकी हेल्प करेगी, तो वो आपने 19th को ज़रूर करना है। लेट्स सी एनी अदर मैसेज। और ये जो डेक है इसका नाम है एटलांटिस टैरो, ये एटलांटिस टैरो है ये। और लेट्स सी, एक सेकंड में मैसेज आ गया, कहाँ दूर जाके, पॉइज्ड, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सो बेसिकली ना, अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है। पॉइज्ड का मतलब होता है जब आप एक अच्छी तरह पॉइज पोजीशन में क्लैरिटी के साथ बैठे हो और आपको पता है कि जो आपको चाहिए वो आपके पास आ जाएगा, और आप अपना एक क्या बोलते हैं, अपनी एक एनर्जी जो है उसको क्लैरिटी से लेकर बैठे हुए हो। और अगर आप देखें तो ये पॉइज्ड है। अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने भी जिस तरह से इस एंजल ने इनको उठाया है, दिस इज़ ऑल्सो पॉइज्ड। तो आपका कार्ड है पॉइज्ड, और वाटर एनर्जी अगेन आपको हेल्प करती है अपने आप को क्लींस करने के लिए, और वो आपको हेल्प करता है अपने आप को पॉइज्ड रखने में। तो मैं इसका मीनिंग जो है ये बुक से आपको दिखाऊंगी, और मैं 48 में आपको बुक भी दिखाऊंगी, ताकि जो लोग इंग्लिश समझते हैं वो अपने लिए मीनिंग पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं। और साथ में एक और चीज़ जो मैं चाहती हूँ आप लोग समझें इन कार्ड से, कि ये जो नंबर है 48 8 9 10 11 12 नंबर 3 होता है, और नंबर 3 जो होता है 48 है ना, हाँ 48 पॉइस, नंबर 3 जो होता है वो आपका एनर्जी से कनेक्ट करने का होता है। तो ये कार्ड बोलता है दैट बेसिकली बीइंग रेडी, आप रेडी हैं, रोशनी में कोई चीज़ आ रही है, या आप अपने अपने बेस्ट पे हैं और कॉन्फिडेंस में हैं। और ये कार्ड बोलता है कि आप अश्योर्ड रह सकते हैं कि आप रेडी हैं, अब आप किसी चीज़ के लिए भी रेडी हैं, कुछ भी होने के लिए रेडी हैं, एंड आप जानते हैं कि आपकी स्किल्स जो हैं वो शार्प हैं। आप इस प्लेस पे आए हो, इस जगह पे आए हो, आपके अंदर विजडम है, आपके अंदर नॉलेज है, आप नई फेजेस सेंस कर सकते हो कि अब बिगिन होने वाली हैं आपकी लाइफ में, और लोग आपके कॉन्फिडेंस और को रिस्पॉन्ड करते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, और ये एस्पिशियस टाइम है नई बिगनिंग के लिए। रिलेशनशिप वाइज जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, हैप्पी होते हैं, अपने आप में खुश होते हैं, आप रेडी होते हैं डीप, ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप्स के लिए, ज़्यादा बेटर रिलेशनशिप के लिए, आपके पास आपको कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप रहिए, जो जैसे आप हो वैसे आप रहिए, और सारे रिलेशनशिप, सारे कनेक्शंस जो हैं वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आप रेडी हो रिसीव करने के लिए फ्रॉम योर हार्ट। प्रॉस्पेरिटी का मैसेज भी वैसा ही है कि आपको आपके वर्क, आपके करियर में आपको कॉन्फिडेंट, आपके पास सारे रीज़न है कॉन्फिडेंट फील होने के लिए, और जो भी आप चाहते हो, जो भी सक्सेस आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में आएगी। अब अपने पावर में आप स्टेप अप कीजिए, और जब अपनी पावर में स्टेप अप करेंगे तो आप सारी चीज़ों को होता हुआ देखेंगे पॉजिटिवली। और ये लाइक ए सेड, ये कार्ड जो है वो किंग ऑफ सोर्ड्स के साथ बहुत एनर्जी मैच करती है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स ऐसा होता है जो पॉइज्ड है, जिसको पता है वो रेडी है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे वो रेडी है, जिसको तलवार, जिसको तीर मारना है उसको तीर मारने के लिए भी पूरी तरह डिटरमाइंड है, और जिसको फ्लावर्स देने हैं उसको फ्लावर्स देने के लिए भी पूरी तरह डिटरमाइंड है। तो वो रेडी है कि उसको कहाँ, और उसको एक क्लैरिटी हो रही है
कि कौन है जिसने तीर यूज़ किए और कौन है जो प्यार यूज़ कर रहा है। तो इसी तरह सिमिलरली आज के दिन में आप रेडी हो आगे बढ़ने के लिए, आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, आपके अंदर बेटरमेंट आएगी। आप जब खुद के साथ कनेक्ट करोगे, थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करोगे, थोड़ा सा वक्त अपने साथ बनाओगे, तो आप एंजल्स के साथ गाइड कर पाओगे। और पानी जो फ्लो करने में हेल्प करता है उसको आपने अपने पास रखना है। तो अगेन 9th ऑफ अगस्त की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है और आई होप कि ये वीडियो आपकी हेल्प करे। अगर करे तो प्लीज़ फीडबैक या कमेंट्स जो है उनको ज़रूर छोड़िए। एंड अगेन थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।